किया बेटा? क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं। बता क्या बोल रहा था वो? वो? ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना इसकी जान ले लूंगा। वो किसी पार्टी में है, आ रहा है। फोन लगा उसको, फोन लगा उसको, उसको बोल ये पार्टी खत्म करके सुबह तक आना। लगा, अगर उसकी जिंदगी बचानी है तो फोन लगा उसको और बोल जो मैंने बोला तेरे को। फोन लगा। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा। फिर ट्राई कर। लगा। हेलो। हेलो ताह बेटे, तुम मेरी तबीयत की फिक्र मत करो। पार्टी खत्म करके सुबह तक ही आना। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है बढ़िया। बड़ी अम्मी ने ऐसा क्यों कहा? मेरे को भूख लगी है, खाने में क्या है? आज सब पार्टी में गए हैं इसलिए घर में कुछ खाना नहीं बना। नहीं बनाया तो जाकर बनाओ अभी। निगाह जाओ, इसके लिए कुछ खाना ले आओ। और सुन, मेरी नजर तुझ पर ही रहेगी, जरा भी होशियारी करेगी तो मरेगी। जा, जो बनाना जल्दी बना। शौहर के बड़े भाई हैं। और ये? मेरे शौहर। और ये कौन? मेरा बेटा हारिस, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तस्वीरें तो बाबा के एल्बम में भी है। वो जिस खानदान से बदला लेना चाहते हैं, कहीं वो यही फैमिली तो नहीं? अगर ऐसा है तो मेरी पांचों उंगली घी में। हेलो, मैं शेर खान बोल रहा हूँ। शेर खान, कहाँ हो तुम? तुम्हें कोई फिक्र है कि नहीं है? कम से कम एक फोन कर लेते। कहाँ से फोन करता? जेल से। क्या? हाँ, जेल में था मैं। वो शफीक के चक्कर में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। फिर क्या, भाग निकला मैं। अब बाहर हूँ। शेर खान को दुनिया की कोई सलाखें नहीं रोक सकती। जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम वापस कब आ रहे हो? अभी नहीं, एक जरूरी काम से कहीं रुका हुआ। कहाँ? एक ऐसी जगह
जहां एक राज दफन है। खाना तैयार है। खाना तैयार है। शेर खान, बाद में फोन करूंगा, एक सौदा करना है। अच्छा है, अच्छा नहीं भी हो आपको तो पेट भरने से मतलब है। जेल का खाना खा के एकदम भेजा खराब हो गया अपना। ए, इधर बैठ, इधर भी जाने का नहीं। लोगों को मालूम नहीं है क्या, खाने के साथ साथ पानी भी देना चाहिए। जा पानी ला। तू कहाँ चली? बैठ। मैं बाथरूम होकर आती हूँ। बाथरूम ही जाना, कहीं और नहीं, नहीं तो 1-2-3 कर दूंगा। जल्दी आ। ये लो, इसे मिला दो। ये क्या है? बेहोशी की दवाई। कहीं उसे पता चल गया तो? ये पानी की तरह है, ना उसे पता चलेगा ना ही उसे शक होगा। इतनी खास जगह पे हूं कि आप सुनेगी तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। छुपने के लिए कहीं कोई महल तो नहीं ढूंढ लिया तुमने? महल तो नहीं, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज्यादा कीमती है। अब तुम बताओगे शेर खान, या यूं ही सिर्फ बक बक करते रहोगे? जिस बात से अब उनकी किस्मत खुलने वाली है वो बात इतनी आसानी से कैसे बता दूं? पहले सौदा तो हो जाए। सौदा? कैसा सौदा? तुम कहना क्या चाह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अपुन जब तक बताएगा नहीं आपकी समझ में कैसे आएगा? और एक बार बता देने से खेल का मजा कम हो जाता है, इसलिए अपुन अपने पत्ते धीरे धीरे खोलेगा। अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे कि खेल कैसे खेलते हैं? हाँ, साथ रहने का असर तो होना ही चाहिए ना। तुम लोग क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और तुम्हारे मंसूबे क्या है? अगर ये सब बात पुलिस के सामने बक दूं ना तो तुम्हारी स्टोरी शुरू होने से पहले ही खल्लास हो जाएगी। क्यों? हाँ, तुम लोगों का मामला तो करोड़ों का है, अपुन को ज्यादा नहीं, करोड़ों में से सिर्फ 1 करोड़ चाहिए बस। बहुत वक्त है तुम्हारे पास, आराम से सोचो।
पुलिस को बुलाएंगे, ठीक है? किचन से पानी लेने गई थी या कुएं से? इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला? ऐसे ही सर पे खड़े रहेगी क्या? शेर खान लॉकअप से भाग गया। तुम सो रहे थे? सर वो गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें प्रमोशन दिलाया। अच्छा होता कि तुम हवलदार के हवलदार रहते। सर हमने उसका बहुत पीछा किया। क्या फायदा हुआ जब तुम्हें उसे पकड़ नहीं पाए? सर वो अली साहब के बंगले के कंपाउंड में दाखिल हुआ और फिर लापता हो गया। हमने अंदर जाकर पूछा लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पर कोई नहीं आया। जी मैं इंस्पेक्टर रिजवी बोल रहा हूँ। जी हमें एक आदमी की तलाश है जो हमारे लॉकअप से भाग निकला है। जी हमें शक है कि वो आपके बंगले के आसपास छिपा हुआ है। मेरे सब इंस्पेक्टर का कहना है कि वो आपके बंगले में दाखिल होने के बाद लापता हो गया। नहीं तो यहाँ तो कोई भी नहीं आया। हेलो ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कभी घर पर आकर परेशान करती हो तो कभी फोन पर। आपको क्या लगता है क्या हमें अपनी जान की परवाह नहीं? क्या वो कैदी हमारा रिश्तेदार है जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए हम आपकी हिफाजत करना चाहते हैं, आपको होशियार करना चाहते हैं, पर आप हैं कि मुझे पे नाराज हो रही हैं। देखिए आइंदा अगर यहाँ फोन किया तो मैं इज्जत हद तक का दावा कर दूंगी। हाँ तो इससे भी ज्यादा चालाक और होशियार हो। ऐसा हैवी डायलॉग मारा कि पुलिस दोबारा कभी यहां फोन नहीं करेगी। धोखा किया मेरे साथ,
क्या मिला दिया तुम लोगों ने पानी में? नशे की दवाई मिलाई है, थोड़ी देर में तुम बेहोश हो जाओगे, फिर हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। जहां से तुम आए थे ना, वहीं तुम्हें पहुंचा देंगे। अब तुम्हारी आजादी मिनटों की है, समझे? पुलिस को बुला लेना चाहिए। नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बेहोशी की दवा से कोई मर कैसे सकता है? अब क्या करें? क्या पता तुमने ज्यादा मिला दी होगी। नहीं। अब क्या करें? जल्दी जल्दी से लाश को ठिकाने लगा दे। क्या